आप सब मेरी बात शांति से सुनिए। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इन सब को हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज ज्ञान कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, साइंटिस्ट बने, हमारे देश का विकास करें, और बहनों और भाइयों देखने के लिए मिलता है। मैं दुनिया में घूमता हूं, कनाडा में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, लंदन में, यूके में, कहीं भी जाओ, हर जगह पर प्रगति और विकास की ओर नेतृत्व करने वाले राजस्थान के भाई बहनों हर जगह मिलते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। राजस्थान ये वीरों की भूमि है, तो राजस्थान ये उद्यमशील उद्योगपति जिन्होंने देश की गरीबी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योग और व्यवसाय को निर्माण किया, उन महान लोगों की भी भूमि है। बहनों और भाइयों, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जिसका रूपांतर संपत्ति में करना, नॉलेज टू वेल्थ, यही मोदी जी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और इसलिए किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, किसान अब ऊर्जादाता बने हैं। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन अब किसान तैयार करेगा। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, मैंने स्कूटर लाई है बजाज, टीवीएस और हीरो की, जो गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, मक्के से, चावल से जो इथेनॉल बनेगा, उसके ऊपर हमारी स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार चलेगी। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा, यह हमारी सरकार की सोच है। और इसीलिए अब मैं अगस्त महीने में टोयोटो कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। आपको पता होगा कैमरी करके गाड़ी थी, वो इनोवा है, अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा, किसान ऊर्जादाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय यह पैसा किसानों के घर में जाएगा, गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा, और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। अब मैंने आगे भी लाया कि सीएसआर और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संशोधन किया है कि जो परली है, परली से डांबर तैयार होगा। पानीपत में परली से इथेनॉल तैयार हो रहा है, और एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है, वो भी किसान बना रहा है। यही हमारे सरकार की कमाल है। स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हमने किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर लाया। बहन और भाइयों, देश की तरक्की हो रही है, हम देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, द स्ट्रॉन्ग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हम देश में सबसे आर्थिक दृष्टि से विकास करने वाला देश बने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, इतना ही नहीं तो सुखी, समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली भारत, यही हमारा सपना है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ है, 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब मिला हुआ है, राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया कि इस इंडस्ट्री को हम 15 लाख करोड़ की बनाएंगे,
इस इंडस्ट्री में 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब मिला है, अब 10 करोड़ युवाओं को जॉब मिलेगा। और हमने यह तय किया है कि हमारे देश के एक्सपोर्ट में हम दुनिया में पहले क्रमांक पर जाएंगे। 2 महीने पहले चाइना पहले नंबर पर था ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, 2 नंबर पर अमेरिका थी, 3 नंबर पर जापान था और 4 नंबर पर हिंदुस्तान था। मुझे खुशी हो रही है कि हमने जापान को पीछे डालकर 3 नंबर हासिल किया है। यही हिंदुस्तान की तरक्की है। बहनों और भाइयों, कितनी 9 साल में कितनी योजनाएं हुई। आयुष्मान भारत योजना में 37 करोड़ गरीब लोगों को लाभ मिला। पीएम उज्ज्वला योजना में 9.5-10 करोड़ लोगों को गैस के कनेक्शन मिले। जनधन योजना में केवल 3.5 करोड़ गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में खाते थे, आज 150 करोड़ अकाउंट ओपन हो गए गरीबों के। स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ टॉयलेट बने हुए। पीएम किसान सम्मान योजना में 11 करोड़ किसानों को पैसा मिला है, जिसमें से 80% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के हैं। मुद्रा योजना में 40 करोड़ जो रोड पर दुकान और ठेला लगाते टपरी पर लगाते हैं पटरी पर बैठते हैं उनको रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ लोगों को घर मिले हैं। मेक इन इंडिया में 143 रैंक थी 2014 में, अब भारत की 63वीं रैंक आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है। हमारे लिए जल जीवन मिशन की बात अभी हमारे लोग कर रहे थे, नल हर घर में देंगे, गरीबों को शुद्ध और स्वच्छ पानी देंगे। 12 करोड़ लोगों को गरीब लोगों को नल का कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। बहनों और भाइयों, सुकन्या समृद्धि योजना जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें 2.50 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए पर एनम तक मैच्योरिटी पीरियड 21 साल का है और जिसमें 7.6% इंटरेस्ट है। और हमारे लिए विशेष रूप से जो महिला है, हमारी छोटी बच्चियां हैं, उनके एजुकेशन की व्यवस्था हमने की है। बहुत योजनाओं का मेरे पास डिटेल है। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री कौशल योजना जिसका उल्लेख किया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बनाने का सौभाग्य अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान की गांवों को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया, इस बात का हमें अभिमान है। बहनों और भाइयों, हम राजस्थान में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, 1 लाख करोड़ का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। इसके साथ साथ जयपुर से दिल्ली यह हम नया कॉरिडोर बना रहे, अमृत से जामनगर 14,000 करोड़ का। फिर राजस्थान में कटरा वैष्णो देवी कनेक्टिविटी मिल जाएगी अमृतसर जामनगर से। आगे आप लुधियाना तक जो रोड जा रहा वहां से मनाली तक चले जाओगे हिमाचल प्रदेश तक। इतना ही नहीं तो अंबाला कोटपुतली हमने रोड बनाया, अंबाला चंडीगढ़ कनेक्टिविटी से राजस्थान को फायदा होगा। करीब 3 लाख करोड़ रुपए के हाईवे हम राजस्थान में बना रहे। आज ही मैंने सविस्तर भाषण में काफी बातें कही है। बहनों और भाइयों, हमारे देश को 1947 में स्वाधीनता मिली, आज हम अमृत काल में है। 75 साल हमने पूरे किए हैं और इस 75 साल में कांग्रेस को 60 साल राज करने का मौका मिला। बैल जोड़ी थी, बैल जोड़ी पर लोगों ने ठप्पे लगाए, फिर गाय बछड़ा आया, गाय बछड़े पर ठप्पे लगाए, फिर पंजा आया, पंजे पर ठप्पा लगाया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबों की गरीबी तो दूर नहीं हुई पर कांग्रेस वालों की गरीबी जरूर दूर हुई।
न जात पर न बात पर, इंदिरा जी राजू जी की बात पर खाओ खींचो, अपने बाप का वाले जितना लूटना है उतना लूटो, एक पाव डटाओ गरीबी हटाओ, यही चलता रहा। जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी वो 10 साल 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस देश में करके दिखाया, यही हमारी सबसे बड़ी बात है। जात पंथ धर्म भाषा सेक्स इससे ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, किसी को भेदभाव ना करते हुए इस समाज में सामाजिक समता प्रस्थापित होगी, आर्थिक समता प्रस्थापित होगी, आर्थिक और सामाजिक विषमता से मुक्ति मिलेगी। कोई व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। हमारे देश का राष्ट्रवाद यह हमारे भारतीय जनता पार्टी का आत्मा है। इस राजस्थान के वीरों की भूमि ने लाखों शहीदों को देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए, वो ये वीरों की भूमि है। देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा हमें सर्वोपरि है और इसलिए राष्ट्रवाद हमारे चिंतन का आत्मा है। और अगर हम सत्ता में आते हैं तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास के द्वारा हिंदुस्तान को दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी दूर करेंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर प्रधानमंत्री जी का मिशन है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे, यही हमारा उद्दिष्ट है। और हमारा मिशन है अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन। कुछ दिन पहले मैं राजस्थान में आया था, भैरव सिंह शेखावत जी की जन शताब्दी के कार्यक्रम में उनके गांव आया था, सीपी जोशी जी थे। तो राजस्थान हमारे देश के इतिहास का ऐसा पहला राज्य था कि भैरव सिंह शेखावत जी ने अंत्योदय की योजना के द्वारा गरीबों को अनाज पहुंचाने का काम किया था, इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई थी। बहनों और भाइयों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की व्याख्या की है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उन्हें रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, यही हमारा जीवन कार्य है, जीवन मिशन है, यह समझकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मेरे एक इंटरव्यू में एक विदेशी चैनल ने मुझे पूछा कि तुम्हारे जीवन में तुमने कौन सा अच्छा काम किया है। उन मैंने बहुत एक्सप्रेस हाईवे बनाए, टनल बनाई, रोड बनाई, ब्रिजेस बनाई। मैंने उनको कहा मेरे जीवन में मैंने सबसे अच्छा काम अगर कोई किया है तो 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को धोने का साइकिल रिक्शा पर काम करता था। आदमी अपने कंधे पर रिक्शा का बोझ रखते हुए आदमी को खींचने का काम करता था, ऐसे 1 करोड़ लोग देश में थे। 40 लाख लोग ऐसे थे कि 1 क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर रखकर बेचारे उठाते उठाते चलते थे। मैंने अगर कोई अच्छा काम किया तो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को मैंने मुक्ति देने का काम किया, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार देश में लाया और ये अमानवीय प्रथा समाप्त की, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा किया, ऐसा मैं नम्रता पूर्वक कहता हूं। इस देश की तस्वीर को बदलना है, इस देश के भविष्य को बदलना है। अमृत काल शुरू हुआ है, 75 साल पूरे हो रहे हैं, अब 100 साल पूरे होंगे,
और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को दुनिया की महाशक्ति बनाएगा, सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएगा। आपका साथ, आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से रहेगा तो निश्चित रूप से यह सपना पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ 9 साल के उपलक्ष में आप सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।